हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटेंस। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ए सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड काइंड ऑफ ए सेंटेंस। सो लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स used to say something about a person or things and which makes complete sense is called sentence। शब्दों के ऐसे समूह जो complete meaning बताते हैं या complete sense देते हैं उनको हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। For example, Edison invented the electric bulb। All the members of the team played well। Do you watch the Discovery Channel? Revise your lessons daily। आप देख सकते हैं कि ये जो sentences है ये पूरा complete sense दे रहे हैं। आप इन वाक्य को पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। अब देखते हैं हम लोग parts of a sentence। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो mainly, basically हम कहेंगे तो एक वाक्य के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करते हैं, उसी पार्ट को या उसी नाम को हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बॉट द बुक्स। इस वाक्य में आप देखिए किसकी चर्चा हो रही है? दे की चर्चा हो रही है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस, हियर कम्स द बस। इस वाक्य में हम बस के बारे में, द बस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में अगर हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उस पार्ट को, वाक्य के उस भाग को हम लोग सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बॉट द बुक्स। देखिए पहले भी इस एग्जाम्पल को हम लोग देख चुके हैं सब्जेक्ट में, लेकिन आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने फिर से इस वाक्य को रिपीट किया है। यहाँ पे हमने क्या देखा था? दे क्या है? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? दे के बारे में। लेकिन क्या बात हो रही है दे के बारे में? हैव बॉट द बुक्स। तो हैव बॉट द बुक्स क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट हो गया, क्योंकि हमने दे के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? हैव बॉट द बुक्स। तो ये हैव बॉट द बुक्स ये सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट हो गया। हियर कम्स द बस। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बस है, और बस के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? हियर कम्स। अभी हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। वाक्य तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचे हैं कि वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम जो बोलते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आइए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के चार पार्ट, चार प्रकार होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके नाम में ही आप देखिए, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब हम अपनी बातों को असर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं सिंपल वे में, तो उसको हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड एंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दे आर सिंपली स्टेटमेंट। ये एक सिंपली स्टेटमेंट होता है, हम अपनी बातों को सिंपल वे में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी लव अ कंट्री। आप कह सकते हैं आई लव माई कंट्री। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है? कि हम हमेशा असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट लेटर,
असर्टिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज वी यूज कैपिटल लेटर. इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस व्हाट वी आर पुटिंग, फुल स्टॉप. तो इसमें भी, असर्टिव सेंटेंस में भी, हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से शुरुआत करेंगे और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, हम फुल स्टॉप से उसका एंड करते हैं. तो ये इसकी पहचान है, या इस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस. देखिए इसमें भी बिल्कुल आपको क्लियर है, कुछ भी अलग से जानने की जरूरत नहीं है. क्या है इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन? जब हम किसी से सवाल करते हैं अपने वाक्य से, या सेंटेंस के तौर पे हम किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं. देखिए इसका डिफिनेशन क्या है. ए सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस. जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सवाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? आप किस तरह की कहानी पढ़ना पसंद करते हैं? डू यू नो हिज एड्रेस? क्या आप उसके एड्रेस को, पता को जानते हैं? इज योर फादर ए बिजनेसमैन? क्या आपके पापा एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं? वी पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब जब भी हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है? बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. सेंटेंस की शुरुआत हम हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म्ड बाई टू वेज. अब ये देखिए, बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से फॉर्म किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं. कैसे? अब देखिए, फर्स्ट है बाई पुटिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में रख के, और हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं. सच एज, इज ही योर फ्रेंड? क्या वो आपका फ्रेंड है? हैज ही डन सो? यहाँ पे देखिए, इस और हैस, ये जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और हमने कहाँ इसको लगाया है? बिल्कुल सेंटेंस के पहले में. तो ये आपका पहला तरीका है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म्ड करने का, फॉर्म करने का, बनाने का. सेकेंड क्या है, बाई बिगिनिंग द सेंटेंस विद द वर्ड्स हु, whom, whose, what, which, when, why, where, how many, etc. तो आप देखते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं, ये सभी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं. तो जब हम इन शब्दों से, इन वर्ड्स से एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो ऑलरेडी वो क्या है, वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और लास्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड नंबर क्या है, इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस. अब आप इसमें देखिए क्या करना है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस. अब इस वाक्य में क्या आपको पता चल रहा है कि जब हम किसी को कमांड करते हैं, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सलाह देते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव मर्सी अपॉन अस, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें दया की बात की जा रही है. तो अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए, तो हम वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, याचना कर रहे हैं, राइट. सेकेंड, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप क्या करो, स्विच ऑफ कर दो, लाइट बंद कर दो. Do your homework regularly. हम एक एडवाइस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या अपने बच्चों को, या अपने फ्रेंड्स को भी हम लोग देते हैं कि डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपने होमवर्क जो है वो रेगुलरली, रोजाना कंप्लीट किया करो. स्टॉप टॉकिंग, इसमें क्या है, कमांड दिया जा रहा है कि स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो, बातें करना बंद करो.
इसमें क्या है, एन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसमें भी देखिए कि सिंपल वे में बताया जा रहा है कि ये सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। सेंटेंस चाहे जो भी हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इम्परेटिव हो, सेंटेंस कोई भी होता है उसकी शुरुआत हमेशा वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, हम उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, लेकिन एंड जो है असर्टिव और इम्परेटिव का फुल स्टॉप से होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल से होगा लेकिन एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी और हैप्पी सैड सेंटेंस। इस वाक्य में क्या होता है, देखिए इसमें हम अपने हैप्पीनेस को या सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उन सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। A sentence that express strong feeling is called an exclamatory sentence. तो बताया आपको कि इस वाक्य में क्या होता है, हम अपने दुख को या खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं, तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट ए वंडरफुल कंट्री इंडिया इज, वॉट ए वंडरफुल कंट्री इंडिया इज। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हम अपना आश्चर्य या एक हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कितने सुंदर है। वॉट ए शेम, शर्म क्या है। इसमें देखिए क्या कहना है, इस वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं या कैसे लिखते हैं। देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, जैसे कि सारे सेंटेंस हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, लेकिन एंड इसमें कैसे होता है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके एंड में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर What is sentence and how many parts of a sentence and kinds of a sentence. So, keep practicing by watching this video again and again. See you in next class with a new topic.